अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आवाज क्लियर है आप लोगों को मेरी? लोगों को मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? अस्सलाम यस मैम, आवाज आ रही है। वालेकुम, बस हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे लॉगिन हो जाएं, फिर हम एक साथ ही अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी बच्चों को आप इन्फॉर्म करते हैं कि मिस ने लिंक जो है वो शेयर कर दी एलएमएस पे। आप लोगों में से कितने बच्चे जो है वो ये कोर्स फ्रेश पढ़े और कितने रिपीट करके पढ़े हैं? कितने रिपीटर्स हैं इसमें? है बच्चों? मोहम्मद अनस रिपीटर है, और कोई? सब रिपीटर है क्या? सही, शर्जी भी फ्रेश है। मेरा सेमेस्टर बैक है मतलब बच्चों। हैं असलम बेटा, अली असलम, जेमिस मैं कह रही हूँ आपने क्या मैसेज किया लास्ट? मिस, बेसिकली मेरा सेमेस्टर बैक हुआ था, इस वजह से मैं अभी जो हूँ, मतलब अभी मेरे को फिफ्थ सेमेस्टर लेना है, तो अभी जो है अभी मैं थर्ड में हूँ। सेमेस्टर बैक हुआ था, इस वजह से नेक्स्ट कोर्स उठाया मैंने फोर्थ सेमेस्टर का, तो सही सही। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। पूछने का मकसद यही है बच्चों की अगर पता चल जाएगा ना कौन फ्रेशर और कौन वो है, ताकि फिर हम उसी हिसाब से कोर्स लेकर चले। अगर सब रिपीटर है फिर तो कोर्स हम लोग क्विकली लेके चलेंगे, अगर कोई फ्रेश है बीच में तो ऑब्वियस ही बात है फिर हम उसको भी करेंगे कि एक समर सेमेस्टर में जो हमारे पास सिर्फ 8 वीक्स में आपने कोर्स कंप्लीट करना है, अगर उसको कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस एक मेन कोर्स है, मेजर कोर्स है ये हमारे इसका कंप्यूटर, जो हम लोग कंप्यूटर साइंस हमारा जो एक कंप्लीट प्रोग्राम है उसका, तो उस हिसाब से ताकि फिर वो हर चीज समझ सके, और अगर उसे कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर अलग से भी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो पूछने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है? मेरा भी फ्रेश है अहमद दानिश, ठीक बेटा? यानी कि दो फ्रेश है इस वक्त, एक अहमद दानिश फ्रेश है और दूसरे अली असलम। बाकी बच्चे लोग ही नहीं आएंगे। अच्छा, जो रिपीटर्स हैं अगर हम उनसे क्वेश्चंस करते जाएं, क्या ख्याल है? अब तक आप लोगों ने जो डेटाबेस पढ़ा है कोर्स, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनसे ये बात की जा रही है, अहमद दानिश और अली असलम को इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। आप क्या समझते हैं डेटाबेस क्या है?
कौन बता रहा है मुझे? कैन आई रिप्लाई? रिपीट में इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डेटा बेस की कोई डेफिनेशन बताए मुझे। मिस, डेटाबेस जो है हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है डेटा को बेस, लेकिन हमारे पास जो इसमें एडवांटेज है मेन, वो हम लोग इसमें क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह का मतलब व्हाट एवर द यूज़र रिक्वायर्स, हम उस तरह का डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सही, कोई और? कोई और डिफाइन करेगा? बच्चे यहाँ पे मैंने आप लोगों का एलएमएस पे जो है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों का जो हमारे फर्स्ट वीक है, ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का कलेक्शन डेटा इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। गुड बेटा है, मैं दानिश से लिखा आपने, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट हमारा वीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, इसमें मैंने आप लोगों का जो है कोर्स आउटलाइन डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों का इसमें जो ये दो बुक एक्स्ट्रा हैं, जो आप लोगों ने मे भी पिछले सेमेस्टर में इनके बारे में आप लोगों ने थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, जो न्यू है उनके लिए भी मैंने ये चीज अपलोड कर दी है, ठीक है, ताकि आप लोग इससे इजीली बेनिफिट हासिल कर सकें, ठीक है। जैसे अहमद दानिश हैं हमारे पास, अली असलम है, ये न्यू हमारे पास बच्चे हैं, फ्रेश ही हैं ये हमारे पास, जो कि अभी ये कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर इनको डेटाबेस में बहुत इंटरेस्ट है और ये चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड डेटाबेस से रिलेटेड बनाए, ठीक है, डेटा साइंस आगे जाके ये पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा एडवांस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मैंने ये दो लिंक भी, वो जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है ये मेन बुक, जो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको फॉलो करें, डेटाबेस सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास एक मेजर बुक है, एक एडिशन है, ठीक है, पीटर रॉब की, ठीक है, इसको हम मेनली फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों का जो है कोर्स वो आउटलाइन रख दी है, ठीक है। इस कोर्स आउटलाइन में जो मेजर चीज है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है बच्चों, वो ये है, आप लोग इनिशियली अपना माइंड बना लें, ठीक है, कि आपने जो इसमें चीज देखनी है वो क्या है आपके पास है, कि अगर हमारे पास मिड टर्म नहीं होता, जो कि ऑनलाइन में अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, तो ये चीज आप अभी से माइंड में बना लें कि हम लोगों ने मिड टर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे। कोई बताएगा इसका आइडिया, बताएगा, शेयर करेगा मुझसे, हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मिड टर्म को? हैं बच्चों, प्रोजेक्ट, अनस ने जवाब दिया, एग्जैक्टली, ठीक है। जो हमारा मिड टर्म होगा, मैं आपको बिल्कुल सेमेस्टर के स्टार्ट में बता रही हूँ कि हमारा 110% अभी तक जो है जितने ऑनलाइन हमारे पास से वो गए हैं सेमेस्टर के, उसमें हमारा मिड टर्म नहीं हुआ, ठीक है, डायरेक्ट फाइनल हुआ है। तो मिड टर्म में हमारे पास क्या है, अगर नहीं होता तो ये बात आप अभी से माइंड में बना लें कि आप लोगों को उसके बरक्स क्या बनाना होगा, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी मिड टर्म के मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है, कि मिड टर्म के मार्क्स भी 30 थे, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स भी 30 होंगे, ठीक है। इसमें 2 मंथ हैं आपके पास। अगर हम बात करते हैं अपने एक रेगुलर सेमेस्टर की, तो रेगुलर सेमेस्टर में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है एक उसमें भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं मोस्टली मिड टर्म का। अगर आपको लास्ट सेमेस्टर भी मालूम याद होगा, उससे प्रीवियस सेमेस्टर भी याद होगा, तो हम लोगों ने मिड टर्म तक का वेट किया था कि मे बी हमारे मिड टर्म हो जाए। जिस दिन ये चीज डिफाइन हो गई थी कि मिड टर्म नहीं होंगे, तो तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने मिड टर्म के मार्क्स कहाँ यूज करने हैं, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ ने असाइनमेंट्स में एडजस्ट कर दिए, कुछ फैकल्टी ने अपने क्विजेस में एडजस्ट कर दिए, कुछ ने रिसर्च पेपर में एडजस्ट कर दिए, ठीक है, कुछ ने अपने प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर दिए। तो मैं इन एडवांस आपको ये बात बता रही हूँ कि हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट इसके मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट में वो एडजस्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट के साथ जो आप लोगों को एक सेकेंड चीज बनानी है, जो मैं थोड़ी सी इसलिए एडवांस कर देती हूँ, ताकि इन फाइनल जब सेमेस्टर में आप जा रहे होंगे, बहुत से आप लोगों में से इस वक्त 7th सेमेस्टर के भी बच्चे होंगे। कौन कौन 7th और 8th सेमेस्टर का बच्चा है और कौन 6th के करीब है? 6th 7th 8th में से आप लोगों में से बताएं, हैंड रेज करके बताएं, 6th 7th 8th वाले बच्चे। कोई भी नहीं आप लोगों में से?
हैंड रेज करके बताएं बेटा, आप लोगों में से सिक्स सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर के बच्चे कौन से हैं जो इस वक्त ये कोर्स ले रहे हैं? ऑब्वियसली वाले सेवन्थ और एट्थ के नहीं होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो आपका एफ आई पी होता है उसका बेस ही डेटा बेस होता है, तो डेटा बेस के बिना आप लोग सेवन्थ और एट्थ नहीं ले सकते. तो सिक्स और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे ही होंगे यहाँ पे मोस्टली. ऐसे ही है इतनी देर बाद एक रिस्पॉन्स आया है यस मैम का, वो भी अनस ने दिया है. तो इसके पीछे रीजन ये कि मैं आपको ना प्रोजेक्ट के साथ रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाऊंगी, ठीक है? आपको एक रिपोर्ट राइटिंग का मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों का 10 मार्क्स आपकी रिपोर्ट राइटिंग के हो जाएंगे और 20 मार्क्स आप लोगों के प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट में आपके 5 मार्क्स या 10 मार्क्स हम लोग जो है एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ले लेंगे, एंड देन 10 मार्क्स आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो हो जाएंगे, जो कि आपको बेनिफिट कहाँ पे जाके होगा, जब आप एफ आई पी की रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों के मार्क्स इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. बाकी आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे मैंने की हुई है, ठीक है? यहाँ पे मैंने बता दिया था अगर मिड नहीं होगा तो आपके 30 मार्क्स इसमें चले जाएंगे प्रोजेक्ट में, अदरवाइज आपके मिड टर्म होंगे. क्विजेस के आपके 10% मार्क्स होंगे जो कि आपके ऑनलाइन क्विजेस होंगे, ठीक है? 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है? ये चीजें मैं आपको एडवांस बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल 8 वीक्स हैं. मैं अभी आपका यहाँ पे जो LMS है LMS पे मेरी अभी कोशिश होगी, मैं आपके जो ये वीक्स हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आज के दिन आपका ये अपडेट किया था, ठीक है? अभी मैं आपके बाकी लेक्चर अपलोड कर दूंगी जो आज हम लोग लेंगे, देन मैंने अभी आप लोगों की बुक से अपलोड कर दी, ठीक है? मैंने आप लोगों का जो आज इंट्रोडक्शन होगा उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आज के दिन की अपलोड कर दूंगी, ठीक है? देन जितने हमारे पास वीक होंगे, जैसे आप फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक का जो फ्राइडे होगा बच्चों, उसका लास्ट 30 मिनट में आप लोगों का फिक्स क्विज होगा. तो मैं आपको यहाँ पे ये चीजें अपडेट कर दूंगी, ठीक है? ताकि आप लोग अपना LMS देखें तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि इस वीक में हमने असाइनमेंट सबमिट करना है, इस वीक में हम लोगों को क्विज देना है, ठीक है? तो आपकी मेरी कोशिश होगी मैं हर वीक के फ्राइडे को क्विज ले सकूं, और उस क्विज में ये चीज होगी कि अगर मैं 7 to 8 क्विजेज लेती हूँ, हर चैप्टर के बाद का क्विज लेती, जैसे इस वीक जो मैं चीज पढ़ाऊंगी आज और कल, तो नेक्स्ट वीक में मैं उसके फ्राइडे को क्या करूंगी, एक क्विज ले लूंगी, ठीक है? ये चीज बात अच्छी है, समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है? इस वीक में जो चीज पढ़ाऊंगी उसका क्विज इस वीक में ले लूंगी, तो उसमें आपको प्रिपरेशन करने के लिए पूरा एक वीक भी मिल जाएगा. जो इस वीक में मैं आप लोगों को जो भी मटेरियल पढ़ाऊंगी, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी टॉपिक का आपका इस वीक में क्विज हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आपका असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स आपके 5 होंगे, ठीक है? और क्विजेज आपके हर नेक्स्ट वीक में होगा. इस वीक आपका कोई क्विज नहीं हो रहा, इस वीक में इस तरह से मैं आपके हर वीक में आपकी असेसमेंट क्विज के तौर पे लेती रहूंगी, ताकि अगर किसी का, एक तो आपके पास मल्टीपल क्विजेज होंगे जहाँ पे अगर आपकी जो है एवरेज होने पे आपके पास अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, ठीक है? अगर आप 2 क्विजेज देते हैं, 2 क्विजेज में से अगर एक आपका अच्छा नहीं होता, एक बुरा वो अच्छा हो जाता है, तो आप उसका एवरेज लें वो कम मार्क्स आएंगे एज कम्पेयर टू आप 3 क्विजेज दें, एज कम्पेयर टू आप 4 क्विजेज दें, ठीक है? तो आप जितने ज्यादा क्विजेज देते हैं उनका एवरेज उतना ही ज्यादा होता जाता है. फिर एंड में हम डिसीजन लेंगे कि अगर किसी ऑनलाइन कंडीशन की वजह से किसी बच्चे ने जो है अपना क्विज नहीं दे सके, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोई पावर ब्रेक का हुआ है, कोई अचानक से सिस्टम ऑफ होने का हुआ है, या अचानक से आपका LMS में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जो भी इस तरह का कोई इश्यू आता है जो कि ऑनलाइन में आने के चांसेस हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने माइंड में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. उसका अल्टरनेट हम क्या करेंगे, N-1 कर देंगे. अगर 6 क्विजेज है तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देंगे, 7 है उसको हम 5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो N-1 या N-2 हम लोग इस तरह से करके जो फिर बाकी रिमेनिंग क्विजेज होंगे उसका हम लोग एवरेज ले लेंगे, ठीक है? और जो N-1 होंगे 1 और 2 वो आपके बेस्ट में से सिलेक्ट होंगे, बेस्ट 5 सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, बेस्ट 6 सिलेक्ट कर लिए जाएंगे. ये बात क्लियर है सबको, इस पर सब एग्री है? तो इस तरह से आप लोगों का जो है, बस ये होगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जो है ना हर वीक में कोई मुझे बच्चा बोलेगा कि मिस मेरा ये इशू आ रहा है और इस इशू की वजह से मैंने क्विज नहीं दिया, तो आप मेरा क्विज दोबारा ले लें, तो मुझे क्विज दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके इतने मल्टीपल क्विजेज होंगे जो कि पूरी क्लास के एक साथ हो रहे होंगे, और एक साथ क्विजेज में क्या होगा कि एंड में हम फिर माइनस कर लेंगे क्विजेज, ठीक है? बेस्ट 6 सिलेक्ट कर लेंगे, बेस्ट 5 सिलेक्ट कर लेंगे, बेस्ट 7 सिलेक्ट कर लेंगे. 8 वीक का आपका सेमेस्टर है जिसमें फर्स्ट वीक में आपका कोई क्विज नहीं हो रहा, बेस्ट नेक्स्ट 7 वीक्स में आप लोगों के क्विजेज होंगे, और उन 7 वीक में आप लोगों के
बेस्ट फाइव सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जिन बच्चों का रह जाएगा, या कोशिश कीजिएगा बच्चों, ज्यादातर मैंने आपको ये बात एडवांस में बता दी है कि हम फ्राइडे को जो हमारा लास्ट का एक आवर होगा, ठीक है, थ्री वो जो भी लास्ट का एक हमारा एक ब्रेक होगा 30 मिनट का, ठीक है, उस 30 मिनट में आप लोगों का क्विज फिक्स होगा, जो कि मैं आप लोगों का एडवांस में सेटिंग कर दूंगी उसकी, ठीक है। तो उसी सेटिंग के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा कि नेक्स्ट वीक का हमारा क्विज आ रहा है, नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीक के फ्राइडे का आप लोगों का क्विज है। हर नेक्स्ट फ्राइडे के एंड में आप लोगों का क्विज होगा, जो कि प्रीवियस वीक में हमने जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा होगा सिर्फ वो होगा। तो आप लोगों को ये चीज एडवांस में मालूम है कि लास्ट वीक हम लोगों ने दो वीक के चैप्टर का या दो टॉपिक कवर किया, उन दो टॉपिक का नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो क्विज है, ठीक है। फिर जो थर्सडे और फ्राइडे हमने पढ़ा होगा क्विज से पहले तक का, उसका नेक्स्ट फ्राइडे हमारा क्विज होगा। ये चीज क्लियर है? अगर आप लोग कहते हैं आप लोगों के आसानी के लिए और चीज आसान कर देते हैं, हम पहले क्विज रख लेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रख लेंगे। ये दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। मुझे तो मोस्टली यही चीज लग रही है, हम फ्राइडे के एंड में क्विज ले लें, चाहे तो आप थर्सडे के स्टार्ट में क्विज रख लें, यानी कि प्रीवियस जितना पढ़ा उसका हमने पहले क्विज दे दिया फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दो में से आप मुझे ऑप्शन बता दें आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विज दे दें, या फिर नेक्स्ट वीक का भी पूरा पढ़ने के बाद क्विज दें, एंड देन जो हमने उस वीक में पढ़ा होगा उसका नेक्स्ट वीक में क्विज दें, इस तरह से कर लें। फ्राइडे एंड, ठीक है, चलो। धीरज का रिप्लाई है कि मिस फ्राइडे, सब इसी बात पे एग्री है, हैंड रेज करके मुझे बता दें। ठीक है बच्चों, दो का रिप्लाई आ गया, ठीक है, हम लोग जो है फ्राइडे एंड पे हम लोग जो है क्विज ले लेंगे, ठीक है। एक ये चीज फाइनल होगी हमारे पास, देन हमारे पास जो है असाइनमेंट्स आ गए, ठीक है। अहमद दानिश भी इस बात पे एग्री, गुड। देन हमारे पास बात आ गई असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट को भी हम लोग जो है, मैं यहाँ पे आपके 5 असाइनमेंट्स लूंगी, ठीक है, और 5 असाइनमेंट अभी मैं आपसे ना थोड़ी देर में जो हम लोगों के पास अभी ब्रेक वगैरह हम लेंगे, तो उस ब्रेक में उसमें हम जो है क्या करेंगे, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि किस तरह से हम जो है, और उसमें मैं एक्सेल जो शीट शेयर करूंगी जिसमें मैं आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करूंगी, जिसमें डिटेल रिजल्ट होगा, उसमें आप लोगों के साथ मेरी कोशिश होगी आज ही एंड तक कर दूंगी, नहीं तो मैं आपकी कल तक जो है मैं डिटेल रिजल्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो उस डिटेल रिजल्ट में भी आप लोग देख सकेंगे, उसमें फॉर्मूला वगैरह हर चीज पहले से मैंने एडवांस लगाई होगी, कि जो आपके मार्क्स जो है साथ साथ जो है आपको बता रहा होगा, और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ ही आप लोगों का रिजल्ट जो है अपडेट करती रहूं, ताकि आप लोग देखते रहें कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितने मार्क्स और गेन करने, कितनी और मेहनत करनी है, तो ये इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात पे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, तो वो मैं साथ साथ आप लोगों का रिजल्ट अपडेट करूंगी, तो उसमें आप अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, पूरा रिजल्ट मैं आपसे डिटेल रिजल्ट जो है एम्प्टी शीट इस फिलवर करूंगी, ताकि आप फिर जो जो आप लोग असाइनमेंट्स देती रहेंगे वो मैं साथ साथ चेक करके उसमें मार्क्स अपलोड करती अपडेट करती रहूंगी, ठीक है। और उसका भी मैं यहाँ पे अभी इंशाल्लाह ताला आज या कल तक जो है यहाँ पे अपडेट कर दूंगी, कब कब हमने क्विज लेने और कब कब हम लोगों ने असाइनमेंट्स लेने, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट्स टोटल 5 होंगे, तो टोटल 5 असाइनमेंट्स में से मुझे इन वीक्स में से सिलेक्ट करना होगा। मेरी कोशिश होगी पहले 3 लेके फिर 1 वीक का ब्रेक देके लास्ट में आप लोगों का एक ब्रेक लास्ट में दूं, जिसमें हम लोग जो है प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह और ये सब कुछ हम लोग रख लेंगे, ठीक है। उस वीक में आप लोगों को असाइनमेंट नहीं देना होगा, और 1 वीक का असाइनमेंट की डेडलाइन होगी। और क्या चीज आपसे इस वक्त डिस्कस करनी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है डायरेक्ट जिस बुक को हम फॉलो करेंगे उसका लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और यहीं से रीड आउट कर सकते हैं कम्प्लीटली आपकी बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग जो है ये आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 8 एडिशन है इसका, ठीक है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, और इसमें से ही हम मोस्टली कोशिश करेंगे अपने टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि मोस्टली हम ये चीज बेहतर होती है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटाबेस आप लोगों का एक मेजर सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हम लोग जो है इसकी बेसिक से
अपनी यानी कि इसकी लर्निंग करें। जितने हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितने हम जो है इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात करेंगे, उतना ही हमारे लिए चीजें जो होती है बेनिफिशियल होते हैं, जो हम लोग लॉन्ग लास्टिंग उसे याद रख सकें। तो ये हमारे पास जो बुक है वो इतनी ईजी है, यानी कि इसमें आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से जो है हम लोग जो है अपने नॉलेज में जो है इजी वर्ड्स के थ्रू जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ईजी वर्डिंग है। हम लोगों ने कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस बुक भी हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे शेयर की गई है। तो कुछ टॉपिक हम लोग जो है इस रेफरेंसेस बुक से भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जहाँ पे हम लोगों के पास जो टॉपिक है थोड़ा सा इजीली डिफाइंड किया गया है, ठीक है। और कुछ बुक्स मेरे पास जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी डेटाबेस की एक बुक मौजूद है, जो कि शायद मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज के लिए डाउनलोड की थी, तो वो भी मैं आप लोगों से अभी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही हो, तो आप वो वहां से इजीली लर्न कर सकते हैं। वहां पे जो बुक मेरे पास इस वक्त एक और डाउनलोड है, वो मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसमें भी देखिएगा कि बहुत इजी वर्डिंग में जो है हर चीज को डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है ये बात बच्चों? अहमद दानिश बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप अभी मैंने क्रिएट करना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आज ही क्रिएट करके आपसे आप लोगों से लिंक शेयर कर लेती हूँ, और आप सब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं क्रिएट करूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी क्यूरी वगैरह हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो वो आप मुझसे जो है आके अगर आप लोगों का सिर्फ यानी कि हार्डली ऐसा है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू या LMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, तो आप मुझसे पूछ लें। अदरवाइज यही है कि आप मुझसे यूनिवर्सिटी में आके पूछ लें, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स भी मैंने आपके यहाँ पे शेयर कर ली है, ठीक है, कि मैं अवेलेबल हूँ मंडे वाले दिन, ठीक है, मंडे को जो है मैं अवेलेबल हूँ। और ये मेरी पर्सनल ईमेल है, ठीक है, asma.bb02@gmail.com। इस पर आप लोग मुझे जब ईमेल करेंगे तो इसका आपको रिस्पॉन्स ऑन दी स्पॉट मेरी कोशिश होगी मैं आपको दे सकूं, ठीक है। asma.bb@dsu.edu वाली को मैं बहुत कम एक्सेस करती हूँ एज कम्पेयर टू मैं, ये तो मेरे मोबाइल पे लॉगिन है, तो ये आप जैसे ईमेल करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अदरवाइज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे वहाँ पूछ लीजिएगा। और थर्ड, हमारे पास जो है क्लासेस हमारी लाइव होंगी सारी, कोई मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगी, ठीक है। तो हम लाइव क्लास लेते वक्त जो है आप जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे लाइवली भी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे कोई और है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो मुझसे आके यूनिवर्सिटी में पूछ लीजिएगा। मंडे टाइमिंग मैंने आपके पास लिख दी, अदरवाइज तो मैं आप लोगों के पास पूरा वीक ही अवेलेबल हूँ, ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे से थर्सडे, लेकिन मोस्ट प्रिफरली आप लोग अगर मंडे को आ जाए तो भी, यहाँ पे मैंने फिक्स एक टाइम कर दिया, लेकिन 5 डेज में अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरी कोशिश होगी बच्चों चीटिंग के ऊपर मैं कोई माफी नहीं देती, ठीक है। मुझे अगर जरा सी भनक पड़ जाए कि ये 2 असाइनमेंट्स कॉपी हुए हुए हैं, ये 2 क्विजेस कॉपी हुए हुए हैं, इसने यहाँ से चीटिंग की, ऑनलाइन में तो आपका क्विज चीटिंग में हो गया, ठीक है, हम नहीं अंदाजा कर सकते। लेकिन ये बात क्लियर है बच्चों, अगर आपका असाइनमेंट कॉपी है डायरेक्टली, बेशक एक बंदे ने कॉपी किया दूसरे से, दोनों को डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलेंगे, और मैं अपने प्रीवियस सेमिस्टर्स में ये काम करती आई हूँ, ठीक है। असाइनमेंट्स में डायरेक्ट 0, और 1 डायरेक्ट 0 का मतलब क्या है आप लोग खुद अंदाजा कर लें, ठीक है। तो मैं उसमें किसी की भी नहीं सुनती कि जिन्होंने मेरी चीटिंग की है, बस मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसे कॉपी हो गया, तो वो मुझे नहीं मालूम, बस कॉपी हो गया तो इट्स मीन कॉपी हो गया, वहां पे आपके डायरेक्ट 0 मार्क्स है। और ना ही मैं उसके ऊपर असाइनमेंट्स के ऊपर क्विजेस के ऊपर, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका मैं बता चुकी हूँ क्राइटेरिया कि क्विजेस कैसे लिए जाएंगे, असाइनमेंट्स कैसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं नहीं कह सकती मैं दोबारा क्विज ले रही हूँ या दोबारा असाइनमेंट ले रही हूँ, उसको अल्टरनेट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग वीक बाय वीक जो है अपना कवर करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम अपने इस तमाम जो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं इन सबको कवर कर सकें, ठीक है, इसी सीरीज में, और हम जितना हो सके अपने इस कोर्स को लर्न कर सकें। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेटाबेस सिस्टम, कौन मुझे इसको डिफाइन करेगा कि क्या है डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है?
बच्चों आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, एक रिप्लाई आया है, अ सिस्टम वेयर एवरी टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। एवरी टाइप बेटा, हम डेटाबेस की डेफिनेशन से पहले कुछ टॉपिक एक कवर करते हैं, ठीक है? जो आप लोगों ने जो है अपना आईटीसी में कभी कवर किया होगा, ठीक है? हम टॉपिक की तरफ चलते हैं आज के। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस हम बाद में देखें, फिर टाइप ऑफ डेटाबेस देखें, जो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। कोई मुझे बताएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, जो कि आप लोगों ने आईटीसी में सिर्फ पढ़ा है, इसकी डेप्थ में गए हैं, कोई डिफाइन करेगा? Miss, level of data is how the data is being further processed into information and knowledge. बिल्कुल सही, कोई और बताएगा? कोई और डिफाइन करेगा? बहुत इजी वर्डिंग में। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं जहां पे हम किसी भी चीज की डिटेल को देख सके, ठीक है? इन डेप्थ हम जितना जा सके उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, द रिडक्शन ऑफ डेटा टू अस एग्जैक्टली सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? जितना सिंपल करके हम डेटा को देख सके हमारे पास क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों के पास एक इमेज आ रही है, ठीक है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बाद में आपको पहले बताती हूँ कि हमारे पास क्या है डेटा। बेसिकली हमारे पास डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी नंबर होगा, कोई नाम होगा, कोई लेटर होगा, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। एग्जैक्टली, जो हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। और इस डेटा में हमारे पास यानी कि हम लोग जो है मल्टीपल डेटा हमारे पास मौजूद है। एग्जैक्टली, जैसे इन्होंने अभी एक एग्जाम्पल दी, तो कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर हमारा किसी भी चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है? मे बी वो किसी चीज की इकोनॉमी को डिफाइन कर रहा हो, किसी का बैंक बैलेंस डिफाइन कर रहा हो, किसी का जो है रोल नंबर डिफाइन कर रहा हो, किसी का सेल नंबर डिफाइन कर रहा हो, बस एक नंबर हमारे पास राइट हुआ हुआ है, ठीक है? तो वो नंबर हमारे पास क्या है? एक रॉ डेटा है, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास जो है कोई नाम है, वो नाम किस किस पर्सन का है, मे बी उसके नाम पे कोई बिल्डिंग क्रिएट हुई हुई है, तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक नेम है, एक रॉ डेटा है, ठीक है? फैक्ट्स हमारे पास क्या होता है? फैक्ट्स बेसिकली हम, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट है, ठीक है? मैं यहाँ पे टीचर हूँ, या ये मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, ये बेसिकली क्या है? एक फैक्ट है, ठीक है? एक लॉजिकल, हम लोग एक सिंपली बात कर रहे हैं, एक हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है? कि कोई पेन है या कोई लैपटॉप है, कोई चीज है वो मुझसे बिलोंग कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है? हमारे पास एक फैक्ट है। और फिगर्स की जब बात की जाती है, फिगर हमारे पास क्या है? जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? कहाँ का स्टूडेंट है, किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट? एक सिंपल वर्ड स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है? 3.9 यहाँ पे लिखा है, ये क्या है बेसिकली? 3.9 किसी का जो है, किसी चीज का उसने टेक्स्ट पर दिया है, या कोई इसकी ऐसी स्टेटमेंट है, या CGPA, GPA क्या चीज है ये? 3.9 कोई ऐसे सिंपली नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? तो कोई भी चीज, मे बी इसने ये कोई पेमेंट करनी हो 3.9 की, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है? हमें एक चीज देखिए, अली देखिए, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एक पर्सन नेम है, मे बी ये किसी बिल्डिंग का नाम हो, मे बी किसी ने जो है अली नाम से जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। नॉर्मली हम एक फर्स्ट इम्पैक्ट हमारे पास क्या पड़ रहा है? अली क्या है हमारे पास? एक पर्सन नेम है, लेकिन बेसिकली ये पर्सन क्या है?
मे बी बिल्डिंग हो, मे बी बिजनेस का, किसी बिजनेस का नेम हो, बहुत से लोग जो है अपने बिजनेस का नेम अपने नेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज हो, ठीक है, अगर स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, तो इस तरह की चीजें हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे अभी कि बेसिकली ये क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रॉ डेटा है, एक हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जिसको हम लोग जो है कंबाइनली क्या कह रहे हैं, हमारे पास डेटा है, ठीक है। जहां हम बात करते हैं डेटा की, यहाँ पे आप देखें हमारे पास डेटा क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी है, जहाँ हम लोग एक पायरामिड इसका बना रहे हैं, ठीक है, हम इसको वो कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, एक लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मजीद डेप्थ में जानने की बात करते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, क्या है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, कौन मुझे बता रहा है? मैम, जब डेटा पे प्रोसेस होता है तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा डेटा होता है उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, जहाँ हम लोग जो है अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, एक प्रोसेस से गुजारते हैं, हम बताते हैं कि बेसिकली ये जो नंबर आपसे शेयर किया गया, जो इस डेटा में हमारे पास ये ढेर सारे नंबर पड़े हैं, इसमें से ये जो नंबर है इसका मतलब जो है ये हमारे पास यहाँ तो टेलीफोन नंबर है, यहाँ ये हमारे एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ ये हमारे पास जो है डिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली दानिश बेटा, ठीक है, तो हम क्या also when we add an attribute with it, like a property, जैसे हमने मतलब अली लिखा हुआ है, तो उसके साथ जब student name एक property add होती है, तो उसको information बन जाती है। Exactly, एक entity हमने बनाती है, उसको एक property add कर दी, हम लोगों ने उसको define कर दिया, हमने उसको मजीद प्रोसेस करके बता दिया, ठीक है, हमने उसके ऊपर मजीद जो है कुछ वैल्यूज ऐड की जो कि उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, ठीक है, कि अब बेसिकली जो है वो हमारे पास एक अली जो है वो एक एंटिटी है, एक हमारे पास पर्सन है, वो पर्सन बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ पे अली के आगे इसको और वो कर देते कि हम बता देते कि हमारे एक बिजनेस नेम है, ठीक है, किसी का बिजनेस है जिसने अपना अली नेम से स्टार्ट किया, तो वो बेसिकली हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बता दी, हमने उसकी क्वालिटी बता दी, हमने उसके ऊपर कुछ और प्रोसेस किया, हमने उसको और डिफाइन कर दिया, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब ये हमारे पास जैसे यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, उसके पास 7, 9, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी क्या दे दी कि हमारे पास क्या है, टेलीफोन नंबर है, ठीक है, ये मे भी हम लोग इसको मजीद वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक अमाउंट है, ठीक है, एक हमारे पास कर्जा है जो हमने पे करना है, ये हमारे पास कुछ अमाउंट है जो हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस है हमारा, ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करें, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग क्या करें, इसको मजीद डिफाइन करने के बाद बता रहे हैं कि ये बेसिकली अब क्या चीज है। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारे पास एक और डेटा यहाँ पे मौजूद था, उसमें हम लोगों ने एक वो अप्लाई कर दी, ठीक है, इसको मजीद प्रोसेस कर दिया, ठीक है, प्यूरिफाइड कर दिया, उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है अब ये क्वांटिटी जो हम लोग 3.9 यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, हम जिसे सिर्फ एक नंबर कह रहे थे, जिसे हम एक फिगर कह रहे थे, जिसे हम कह रहे थे मे बी ये कोई टैक्स हो, मे बी ये कोई एक मे बी जीपीओ हो, मे बी हमारे पास जो है उसकी हम यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, जीपीओ और सी जीपीओ में भी डिफरेंस है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे इसकी सी जीपी है, ठीक है, तो हम इसको और डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफाइन करने के बाद क्या हमारे पास क्रिएट हो गया, इन्फॉर्मेशन। जहां हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की और डेटा की, तो आप देखें डेटा के जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू शॉर्ट हो गई है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी जो विथ है वो हमारे पास कम हो रही है और उसकी हाइट हमारे पास जो है वो थोड़ी ऊंचाई वाई एक्सेस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास आता है नॉलेज, कौन डिफाइन करेगा नॉलेज हमारे पास क्या है? मैम, नॉलेज जो होता है वो बेसिकली डेटा से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस टाइम गुजरने के बाद हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो प्रेडिक्शन होती है वो नॉलेज होती है। एग्जैक्टली, कोई एग्जांपल बताइए। प्रेडिक्शन होती है नॉलेज होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरी अगर यूनिवर्सिटी में बार बार जीपीए अच्छी आ रही है, यानी अगर मेरी 3.9 आ रही है, 3.9 3.9 आती जा रही है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे बारे में कह सकते हैं मैनेजमेंट के ही विल बी सक्सेसफुल या गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, इस तरह। एग्जैक्टली, यही चीज है हमारे पास कि हम लोग जो है जो भी हमारे पास डेटा से इंफॉर्मेशन बनी, इंफॉर्मेशन जो हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हम लोग मजीद इन्फेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको इन्फेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम मजीद जो है उसमें से हम कोई एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, ठीक है, उसमें से हम कुछ जो है इन्फॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या चीज आ रही है, वो हमारे पास नॉलेज आ रही है। नॉलेज हम लोग जो है एक प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने जो है एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं
कि इस बच्चे की जो है हमारे पास जो है बार बार ये जीपीए आ रही है, तो मे बी ये एक अच्छा फ्यूचर हो हमारे, ये गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, ये अच्छा फ्यूचर हो सकता है हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। समटाइम हम लोग इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे लिए जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो हम इसमें कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहे होते। हम कुछ जैसे अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये स्टूडेंट है जो हम कह रहे हैं कि इसकी 3.9 लगातार सीजीपी आ रही है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये हमारे पास एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है, हम इसके बाद इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहे। हमने इसका यानी किसी बता दिया, उसके हम वेट नहीं बता रहे, हम उसके फादर नेम नहीं बता रहे, हम उसका सेमिस्टर नहीं बता रहे। इसका हमने इतना बोला कि एक स्टूडेंट हमारे पास वो कॉन्स्टेंटली 3.9 सीजीपीए ले रहा है, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा, हम लोग लाइवली भी ये बात कर रहे होते हैं अपने फैकल्टी में कि एक हम दो तीन टीचर्स अगर शेयरिंग रूम में बैठे हैं तो हम बता देते हैं एक दूसरे को कि ये बच्चा मेरे पास बहुत अच्छा है, इस बार ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक अपना इमेज बनाया। अब उसमें वो ये नहीं बता रहे होते कि मैंने इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया था तो ये बहुत अच्छा बच्चा था, ये अब का मुझे नहीं मालूम, तो इस तरह की बात हम नहीं कर रहे थे, हम डिटेल में नहीं जा रहे होते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम ये बच्चा मेरे से भी पढ़ा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, इसने बहुत अच्छी सी ये पी ली, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ये बहुत एक्टिव है, इस तरह के हम रिस्पांस दे रहे थे। हम इसकी कभी भी डिटेल में नहीं जाके बता रहे थे कि हम इसके बाद प्रिडिक्शन अप्लाई करें। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में बार बार हॉर्न बज रहे हैं, ठीक है, बार बार एक अलार्म बज रहे हैं, तो वो अलार्म किस चीज का हो सकता है, ठीक है, उसमें से कुछ लोग भाग के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वो अलार्म किस चीज का हो सकता है, कोई अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का? जिस तरह मैम अलार्म किस तरह का जो नॉर्मली होते हैं, वही कहीं पे इंसिडेंट हो रहा होता है कोई इस तरह, हाँ इंसिडेंट वगैरह का, तो इस वजह से अलार्म बजता है, तो हर बंदे की अपनी इस पे प्रेडिक्शन होगी है क्या हुआ है, तो उस हिसाब से वो हम इसमें, हाँ इसमें हम लोग सिर्फ एक अलार्म की बात करें, मैं आपको इसकी डिटेल और बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक जगह से जा रही हूँ, ठीक है, आपको इसकी और डिटेल बताती हूँ, हर बंदे की अपनी इस पे प्रेडिक्शन होगी क्या हुआ है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। अब मैं इसकी एक और डिटेल में जाती हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल डीएचएस ओवाई यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रही हूँ, वहां से कुछ बच्चे जो है भाग के निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगी, ये भी एग्जाम्पल नहीं अच्छी लग रही मुझे मैम, तो ये होगा या तो शॉर्ट सर्किट होगा या कोई आग लगी होगी, नहीं कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब इसकी बात का यही है कि हम लोग जो है नॉलेज गेन करते हैं, जैसे ये स्टूडेंट वाली एग्जांपल है, ठीक है, कि हम लोग जो है प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शंस के बाद जो है हम लोग जो है एक इंफॉर्मेशन गैदर करके, जो भी हमारे पास किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटीज को देख के हम लोग जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, उससे हम लोग जो है नॉलेज हासिल करते हैं कि इसके पीछे ये रीजन है, ठीक है, हम लोग जो है उसके ऊपर नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं। ये वाली जो आप एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है और वहां से लोग भाग रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर कह देंगे यहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं हुई है, लेकिन हम क्या चीज देख रहे हैं, सिर्फ उनके भागने की वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई इमरजेंसी हुई है, लेकिन हम उसमें मजीद डिटेल नहीं बता रहे कि कितने लोग बाहर भाग के आए हैं, कितने हमारे पास जो है वो उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनमें हम उनका वेट नहीं बता रहे, हम उनमें उनकी हाइट नहीं बता रहे, सिर्फ हम क्या चीज बता रहे हैं उसमें कि इस जगह कोई इमरजेंसी हुई है, यहाँ पे जो है लोग इस वजह से यहाँ से भाग रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इसकी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक और एग्जांपल अभी ढूंढती हूँ, हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है, तो इस सेशन के बाद न्यू सेशन स्टार्ट करके मैं आपसे इसकी एक और एग्जाम्पल पूछती हूँ, बस न्यू सेशन क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गए। आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके मैम।